तो इस वीडियो में हम लोग कोलिनियरिटी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बाय एरिया। याद होगा आपको कि पिछले मतलब जब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे तो यही कोलिनियरिटी कैसे प्रूफ कर रहे थे, याद है आपको? आपको हम बोल रहे थे कि दो छोटा छोटा डिस्टेंस को जोड़ लो कोई भी, और वो अगर सबसे बड़े वाले डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन अब इसी कोलिनियरिटी को हम लोग एरिया से प्रूफ करेंगे, समझ रहे बात को? एरिया ऑफ ट्रेंगल से प्रूफ करेंगे। कैसे? उसको सीखने से पहले आपको हम ये बता देते हैं कि मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सीरियल वाइज वीडियोस, फुल प्लेलिस्ट मतलब कंप्लीट सीरीज़ कह सकते हो अवेलेबल है। आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आपका क्लास 9 से लेके 12 तक का बना हुआ है। साथ ही साथ जो बच्चे अगर IITs वगैरह का तैयारी करते हैं तो उनका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उनका बन रहा है और बन मतलब उसमें काम शुरू है। तो आप कह सकते हो कि धीरे धीरे आप वो पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है? तो उसे आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। दूसरी चीज़ कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक का मतलब पूरा वीडियो उस प्लेलिस्ट में आपको मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उस फुल प्लेलिस्ट का, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, और बाकी जितना भी है वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं कोलिनियरिटी कॉन्सेप्ट। हम बता रहे थे आपको कि डिस्टेंस फार्मूला से तो थोड़ा लंबा जाता था, लेकिन एरियाज ऑफ ट्रेंगल से बहुत आसानी से हो जाएगा। एक बात बताइए कि यहाँ वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ABC, क्या ये कोलिनियर है? एक लाइन में है? कोलिनियर का मतलब होता है कि सारा पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए। तो क्या ये A, B और C एक ही लाइन पे है कि अलग अलग लाइन पे है, समझ रहे बात को? तो ये कोलिनियर नहीं है। लेकिन यही बात अगर हम यहाँ देखें कि ए है, बी है और सी है, तो ए बी और सी तीनों एक ही लाइन पे है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है एरिया से अगर सोचा जाए? तो कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हुआ, सुनना ध्यान से, तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हुआ तो उसके बीच एरिया नहीं होगा, उसके बीच एरिया जीरो होगा। क्योंकि जैसे ही पॉइंट थोड़ा भी ऊपर हुआ तो कुछ ना कुछ एरिया बन जाएगा। लेकिन अगर तीनों एक ही सीध में हो जाएगा तो क्या ट्रेंगल बनेगा? और जब ट्रेंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया की बात ही नहीं उठेगी, एरिया जीरो होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि अगर तीन पॉइंट कोलिनियर को होना है तो उन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्रेंगल है उसका एरिया मस्ट भी जीरो होगा। क्योंकि वो एरिया जीरो होगा तभी उसके बीच में कोई जगह नहीं ऑक्यूपाई हो पाएगा, तो वो एक ही लाइन में आएगा तभी ऐसा होगा। और जब एक ही लाइन में आएगा तो हो गया कोलिनियर प्रूफ। मतलब वी हैव टू प्रूव द थ्री पॉइंट्स हैव टू कोलिनियर, देन वी हैव ऑल्सो प्रूव दैट कि द एरिया फॉर्म्ड बाई थ्री वर्टिसेस फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस विल बी जीरो, ठीक है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम लिखेंगे। चलिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ थ्री पॉइंट्स कोलिनियर देन एरिया फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग थ्री पॉइंट्स। अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट्स है उससे जो एरिया बनेगा, पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो फिगर बन जाएगा ये। तो ये फिगर क्या होना चाहिए? एरिया जीरो होना चाहिए, क्योंकि एरिया जीरो नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं होगा। जैसे पहला केस कोलिनियर नहीं है तो एरिया जीरो होगा। और एरिया का फॉर्मूला आपको याद करवाए थे, कैसे याद है? कुछ अपने तरीका से याद रखो भाई। 1/2 फिर X1Y1 फिर प्लस, फिर अगला में फिर X3Y3 फिर हो गया बंद। और ये मस्ट भी क्या होना चाहिए? अब एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, ये 1/2 की कहानी उधर भेज सकते हैं? वाह क्या बात है, क्या बात है! मतलब
जसवाल सर से पढ़ रहे हो यार, छा गए तुम तो। वेरिएबल को नहीं भेज सकते हैं, कांस्टेंट को भेज सकते हैं, क्योंकि वो जाके 0×2 0 हो जाएगा। तो केवल इतना ही 0 प्रूफ कर दो, 1/2 नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो 0 में जाके मिल ही जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये एक फार्मूला हो गया तुम्हारा। ये किस चीज़ का फार्मूला हो गया? इफ x1 y1, हाँ, x2 y2 एंड x3 y3 बी कोलिनियर, बी कोलिनियर, ये बात होगी जब वो कोलिनियर होगा। तो दो तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। एक तो तुम्हें 3 पॉइंट्स दे देगा, और तीनों पॉइंट्स देने के बाद कहेगा कि प्रूफ करो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो तुम क्या करना कि डिस्टेंस फार्मूला से मत प्रूफ करना, अगर जब तक कि ये ना बोले यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जब तक ये ना बोले कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तुम डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ नहीं करना, क्योंकि वो हार्ड होता है। आप क्या कर लो, एरियाज ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू 0 कर लो। दूसरा तरह का क्वेश्चन ये होता है कि पहले ही बोल देगा कि तीन वो पॉइंट हम दे रहे हैं आपको, 1, 2, k, 5 और 7, 2, ऐसे दे देगा वो, और यहाँ ब्रैकेट में के कर देगा, कहेगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो बताओ के का वैल्यू क्या होना चाहिए? कहेगा कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए? समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? अब तीनों पॉइंट कोलिनियर होने वाली कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कह देंगे कि भैया इन्होंने बोल दिया है कि कोलिनियर है, इसीलिए जो एरिया ऑफ ट्रेंगल बनेगा इससे वो 0 होगा। उस समय याद रहे कि इसमें मॉड लगाना, उसमें क्या लगाना, मॉड, और वो मॉडुलस का वैल्यू क्या कर देंगे, 0। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा, और LHS में के वाली क्वांटिटी मौजूद रहेगी, और RHS में 0 रहेगा। तो LHS RHS करके हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो एक आध क्वेश्चन इस पे करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना? तो चलो एक आध को क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे। हम दोनों क्वेश्चन लेंगे, एक k का वैल्यूज वाला भी लेंगे और एक प्रूफ करने वाला भी लेके आपको दिखाते हैं। देखिए, इन्होंने बोला है, RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 8 है, एक्सरसाइज 6C का, कह रहा है कि सो दैट पॉइंट्स ए -1, 1 और बी 5, 7 एंड सी 8, 10 आर कोलिनियर। ठीक है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से नहीं प्रूफ करेंगे, हम एरियाज ऑफ ट्रेंगल से प्रूफ करेंगे कि भाई अगर तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होगा तो इसके बीच में ट्रेंगल नहीं बनेगा। तो ट्रेंगल अगर नहीं बनेगा तो ये एरिया को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एक ही सीध में आ गया है। समझ रहे बात को ना? तो ये तुम्हारा क्या होता है, x1 y1, ये क्या होता है x2 y2, ये होता है x3 y3। अब एरिया का फॉर्मूला निकालो, और एरिया इस समय 0 आना चाहिए, इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है, तो एरिया 0 आना चाहिए। तो एरिया का फार्मूला डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 1/2 और ब्रैकेट में ऐसे x1 y1, फिर x2 y2, फिर प्लस x2 y2, फिर x3 y3, फिर प्लस x3 y3 और x1 y1, क्योंकि जहाँ से शुरुआत होती है बंद वहीं पे होती है, और ये 0 होना चाहिए, आना चाहिए। चलो कर देते हैं अब आगे। 1/2 ब्रैकेट में क्या होगा, x1 y1 मतलब यही -1 और 1, x2 y2 मतलब ये 5, 7, फिर प्लस 5, 7 और अगला 8 और 10, फिर प्लस अगला 8 और 10 और बंद हो जाएगा शुरू वाला से -1 और 1 से। तो अब जरा इसको एलोबरेट करके देखते हैं क्या आ रहेगा। इसका गुना इसमें करेंगे कितना आएगा, -7 है ना, फिर -5 × 1 तो 5 = 5,
फिर प्लस 5 × 10 दस बजे 50, फिर माइनस 8 × 7 = 56, फिर प्लस 8 × 1 = 8, फिर माइनस इसमें गुना होगा तो ये भी माइनस 10 आएगा, तो प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस फार्मूला वाला और वो प्लस। अब ज़रा जोड़ के देखते हैं इसको जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 50 और 56 का कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, कितना आएगा? माइनस 6 आएगा। अब माइनस 6 और माइनस 7 कितना होगा? माइनस 13 और माइनस 5 माइनस 18 आ यहाँ देखो 10 और 8 = 18, तो माइनस 18 और प्लस 18 जीरो आ जाएगा, तो 0/2 = 0। तो यहाँ से अगर ये एरिया जीरो आ गया तो उसके बाद लिखोगे ऐसे इम्प्लाई करके, दिस इम्प्लाई ए बी सी आर कोलिनियर, क्योंकि एरिया जीरो आया तो इसका मतलब यही होता है कि तीनों पॉइंट आपस में क्या होगा, एक सिद्ध में आ गया होगा, तो ट्रेंगल बनेगा ही नहीं, और ट्रेंगल नहीं बना तो एरिया कोलिनियर हो गया। समझ में आया बात? सोच के देखा करो हमेशा कि एरिया जीरो आया मतलब तीनों एक सिद्ध में हुआ होगा तभी तो एरिया जीरो आएगा। प्रिंट कर लीजिए, चलिए। तो अब के वाला पर क्वेश्चन कर लेते हैं, कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स के बारे में क्या बोला है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही सिद्ध में आ रहा है। कोलिनियर का मतलब तो यही होता है एक ही सिद्ध में आना। 7, -2 5, 1 और 3, k। तो इन्होंने बोला कि अगर ये कोलिनियर है तो आप के का वैल्यू को निकालिए। तो ज़रा बताइए कि अगर तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं होता है तो क्या होता है? तीन पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं होता है तो अगर ज्वाइन करिएगा तो कुछ ना कुछ एरिया बनता है, लेकिन अगर वही तीनों पॉइंट अगर एक ही सीधे में आ जाएगा तो बनने वाला एरिया जीरो। तो एरिया बराबर जीरो यहाँ पे कर देंगे क्योंकि इन्होंने बोला है कि कोलिनियर है तो के का वैल्यू निकालो। तो हमें कोलिनियर दे दिया गया है तो हमें मस्ट भी इसे जीरो करना पड़ेगा एरिया को। तो हम लिखेंगे कि हियर पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर गिवेन, कोलिनियर गिवेन, सो एरिया बराबर जीरो। तो एरिया बराबर जीरो तो मॉड के अंदर लिखोगे, याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मॉड के अंदर लिखेंगे और फिर मॉड के अंदर डिटर वो 1/2 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो लिख लो क्या दिक्कत है, गायब कर देंगे अगले स्टेप में। अब x1y1 होता है एरिया का फॉर्मूला और यहाँ x2y2 डिटर्मिनेंट के अंदर बंद, फिर प्लस, फिर x2y2, फिर x3y3, फिर प्लस x3y3 और x1y1, और ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी जीरो, और ये मॉड के अंदर आएगा याद रहे। अब ये दो को तो उधर भेज सकते हैं ना, तो ये फालतू में लिखा गया है क्योंकि एरिया जीरो है, दो को हटा दो। तो अब जो है पॉइंट्स को लिखने का कोशिश कीजिएगा, एरिया का फॉर्मूला में पॉइंट्स को लिखने का कोशिश कीजिएगा। के का वैल्यू हमें निकालना है और पॉइंट्स हमें ये दिए गए हैं आपके सामने। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे मॉड के अंदर हम लोग? डिटर्मिनेंट ऑफ कितना बोलिएगा? 7 - 2 पहले लिखेंगे, फिर अगला क्या हो जाएगा हमारा? 5, 1 प्लस, फिर 5, 1 होगा 3k प्लस, फिर ये क्या होगा? जीरो। मॉड लगाना मत भूलिएगा, यहाँ बार बार बोल रहे हैं, क्यों मॉड लगेगा आपको समझ में आएगा आगे। इसका गुना करो तो 7 × 7, फिर माइनस 5 का गुना -2 में करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का 10 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 5k और माइनस 3 × 3, फिर 3 × 2 यानी कि -3 × 6 हो जाएगा, फिर माइनस
सेवन के मॉड के अंदर ये रहेगा और बराबर जीरो। अब सबसे पहले काम कर लो कि जोड़ लो सब, दस और सात सत्रह, और सत्रह हुआ ये, और ये क्या हुआ माइनस का नाइन, तो सत्रह में से नौ घटेगा तो कितना बचेगा, आठ बचेगा, तो प्लस में आठ बचा, तो एट और माइनस का टू के होगा, क्योंकि पाँच के और सेवन के है, ये मॉड बराबर जीरो हो गया ना, समझ रहे हो बात को, बोलो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दो आप, अगर ये चीज़ जीरो होना है तो एट माइनस टू के को क्या होना पड़ेगा, तो एट माइनस टू के बराबर जीरो होना पड़ेगा, तभी ना वो मॉड का अंदर वाला क्वांटिटी जीरो होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू टू के उधर गया, टू से डिवाइड हुआ तो k बराबर चार, चार डाल के देख लो, चार दुना के आठ माइनस आठ जीरो, k का वैल्यू अगर चार रहेगा ना तभी ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे आपस में कोलिनियर होंगे, समझ में आ गया बात। ये मॉड का इम्पोर्टेंस होता है, इसमें नहीं आया, और भी कोई क्वेश्चंस में यूज होगा तो मॉड का इम्पोर्टेंस आएगा, या फिर नहीं भी आएगा, काहे कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो कब होगी, जब वो जीरो होगा, तो मॉड को आप नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो मॉड के अंदर अगर है तो वो जीरो अगर हो रहा है तो वो जीरो कब होगा, जब ये वाली क्वांटिटी अंदर वाली जीरो होगी तभी ना, क्योंकि 10 बराबर जीरो होगा कभी नहीं होगा, अगर मॉड के अंदर 10 है तो बाहर 10 आएगा, माइनस 10 है तो भी 10 ही बाहर आएगा, हाँ जीरो कब आएगा, कब जब जीरो होगा, तो आप मॉड को अवॉइड कर सकते हो, बात समझ में आ गई। प्रिंट कर लीजिए, तो कोलिनियरिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट हम दे दिए हैं, के का वैल्यूज निकालने वाला भी और प्रूफ करने वाला भी, अगर प्रूफ करना हो तो एरिया को आप निकालो वो अपने आप जीरो आ जाएगा, और इन्होंने बोला है कि अगर पॉइंट कोलिनियर है तो के का वैल्यू निकालो, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि कोलिनियर है मान लीजिए आप, तो आप मस्ट भी एरिया को जीरो कर दीजिए, वहाँ से एक LHS RHS इक्वेशन बनेगा जो अभी दिख रहा है आपको, और ये इक्वेशन बनने की वजह से आपने यहाँ पे के का वैल्यू निकाल लिया, समझ में आई बात, 8 बराबर 2k कर दिया और फिर 2 को इधर भेज दिया तो k बराबर 8 बटे 2 यानी कि 4 आ गया, ठीक है ना। तो प्रिंट कर लीजिए, फिर आप आगे देखेंगे हम लोग।